नमस्कार दोस्तों, हम फिर आ गए हैं। आज तारीख हो चुकी है 18 मई। कितनी तारीख हो चुकी है? 18 मई। कौन सी मई? 2023। ये 18 मई 2023 का वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें पिछले वाले जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए, उसमें से कुछ पॉइंट आपके यहाँ दे रखे हैं, तो उन पॉइंटों में से ही मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। तो ऊपर लिखा हुआ है भारत माता की जय। आप देखिए, ये भारत माता की जय लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कि नहीं? आप देखिए, यहाँ पर भारत माता की जय। तो यहाँ पर देखो, मालदीव का इतिहास मैंने पीछे बताया। मालदीव था, ब्रह्मदेव था, इन दोनों के संबंध बिगड़ जाते हैं। संबंध बिगड़ने के साथ ही मालदीव ने क्या किया, बिगड़ने के बाद में इसने नागौर पर अधिकार कर लिया था। संबंध बिगड़ गए इनके, इनके इन दोनों के नागौर पे क्या कर लिया, विजय हो गई थी। नागौर पे क्या हो गई थी इसकी विजय? किसकी? इसकी विजय हो गई थी। और विजय हो गई तो फिर इन दोनों के बीच में जो संबंध जो बिगड़ गए, यानी संबंध खराब हो गए, इसी के कारण से, कारण भी तो था पीछे मैंने बताया। और वृंदावन में क्या है, मीराबाई चली गई, रिया की जागड़ी अपने पुत्र शेषा को दे देती है। फिर इससे मीराबाई से राजा भोज क्या होता है, नाराज हो जाता है। रतन सिंह का पुत्र होता है ये राजा भोज। नागौर की जब जागीरी इसको मिलती है शेषा को, तो उस टाइम दिल्ली का राजा कौन हुआ करता था, हुमायूं। उस टाइम दिल्ली का राजा कौन हुआ करता था, हुमायूं। 1535 से 1536 के बीच में मालदीव ने आक्रमण किया मेड़ता के ऊपर, और कारण भी मैंने आपको बता रखा है कि क्या कारण था। 1531 में बहादुर जून पर अधिकार कर लेता। यहाँ के जो राजा होते हैं वो सिंगल वे और वीरा राजा हुआ करते। आगे मैंने पीछे बताया कि इन दोनों के संबंध बिगड़ने का कारण क्या था। संबंध बिगड़े तो उसका सबसे बड़ा कारण था दारिया हाथी। किसका था? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी कौन था बताइए आप? दौलत खान लोधी नागौर का दौलत खान लोधी। तो एक दौलत खान लोधी बाबर के टाइम भी था, है ना, चाचा था बाबर, वो क्या नाम है इसका, नाम इब्राहिम लोधी का। लोधी वंश में दौलत खान लोधी था, यहाँ दौलत खां ही दे रखा है। तो यहाँ पर इसके संबंध यह था, और कूपा के द्वारा संबंध अच्छे किए। रिया की जागीरी जब शेरशाह को मिलती है, तो रिया का राजा जेत्र सिंह ब्रह्मदेव शेरशाह सूरी, ब्रह्मदेव और क्षेत्र शेरशाह सूरी, यहाँ पर देखिए अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर सभी प्रकार से अपन देखें तो जेत्र सिंह को क्या होता है, ब्रह्म देव पराजित होकर कहाँ चला जाता है, कछुआ वंश के राजा जेत्र सिंह के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? कच्छ, ये कछुआ वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? ये कछुआ वंश के राजा थे। कौन से वंश के? कछुआ, कछुआ वंश के राजा थे। इसके पास चला गया सहायता के लिए, निशान सहायता नहीं की। इसके बाद में ये शेरशाह सूरी के पास जाता है, और शेरशाह सूरी के पास चला गया, और बाहर कान का दरबारी कौन, और ये इसे एक शेर को बहिए बाहर खान का दरबारी। शेरशाह सूरी के पास गया सहायता के लिए जेत्र सिंह के बाद में, तो यहाँ का जो दरबारी था वो कौन था ये बताइए आप। तो यहाँ का जो दरबारी था वो कौन था बताएंगे आप? यहाँ क्या दरबारी था? शेरशाह सूरी। जब इसके लिए सहायता के लिए मालदेव से सहायता नहीं मिली, तो यहाँ से चला जाता है कहाँ पर, सॉरी यहाँ पे चला जाता है शेरशाह के पास में। शेरशाह के बाद में पास चला गया, और शेरशाह के पास जाने के बाद में ये सूर्य वंश का राजा था। सूर्य वंश का क्या था? ये राजा था। किस वंश का राजा था? ये सूर्य वंश का राजा था, और बिहार का था। बिहार का राजा बहार खान का दरबारी था। बहार खान का दरबारी, बहार खान का ये क्या था? दरबारी था। अब शेरशाह सूरी के बाद में थोड़ी सी बातें अपन देखते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर कि 1544 से 1535 के मध्य इसने क्या किया, शेरशाह सूरी ने राज किया था। या देखिए, शेरशाह सूरी ने 1544 से लेकर 1545 के मध्य क्या किया था, राज किया था।
आई बात समझ में आपके? 1500 तो इसके बाद में ये बिहार का राजा था, गुजरात का बहादुर शाह था और शेरशाह सूरी ने चौसा का युद्ध और विलाग्राम का युद्ध हुमायूं के संग लड़े। चौसा का युद्ध कब लड़ा? 1539 में। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 में और 1540 में विलाग्राम का युद्ध लड़ा गया। ये दोनों के दोनों युद्ध लड़े लेकिन हार गया हुमायूं। इसके बाद में हुमायूं कहाँ चला गया? अमरकोट। अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ पर ये चला जाता है। जाने के बाद में यहाँ पर अमरकोट में ही अकबर का जन्म होता है। यानी अकबर का जन्म हुआ कब? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर इसमें 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म कब माना जाता है? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ अकबर का जन्म? वीर साल के महलों में। वीर साल पाकिस्तान में अमरकोट में एक राजा हुआ करता था, वहाँ पर इसका जन्म होता है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर अकबर का जन्म हो गया अमरकोट में तो यहाँ पर 1540 में क्या हो जाता है? महाराणा प्रताप का भी जन्म हो जाता है। तो महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ी सी बातें जानने का प्रयास करें तो हम देखो वीडियो एक बना रहे हैं लेकिन मेवाड़ और मारवाड़ संबंध पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूँगा प्रताप, या थोड़ा सा देखिएगा प्रताप, ये प्रताप है। इसी प्रताप के का एक जो वो जन्म होता है, जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ 9 मई को। कितनी मई को? 9 मई को इसका जन्म हुआ। कब हुआ? 1540 में। 1540 में इसका जन्म होता है। कहाँ पर होता है बताइए आप? 1540 में इसका जन्म हुआ लेकिन कहाँ पर हुआ बताएंगे आप? बताओ देखा, कुंभलगढ़ में हुआ। कहाँ पर? कुंभलगढ़। कहाँ पर इसका जन्म होता है? कुंभलगढ़ में। जिसका जन्म होता है बादल महल में। बादल महल में कटारगढ़ एक छोटा महल था। कटारगढ़ एक छोटा महल था। उसकी जूनी कचहरी में। किसमें? जूनी कचहरी, जानते हो जूनी कचहरी। जूनी कचहरी में इसका जन्म होता है। और किसके गर्भ से? जेवंताबाई के गर्भ से। जेवंताबाई के गर्भ से इसका जन्म होता है। उदय सिंह इसके पिता थे। उदय सिंह क्या थे? इसके पिता, जिसने उदयपुर की स्थापना की। 1556 के करीब माना जाता है कि उदयपुर की स्थापना 1556 के करीब माना जाता है। आप देख लीजिएगा, डेट इशू हो सकता है डेट का। आप डेट का इशू, यहाँ मैं इशू लिख देता हूँ, इशू। यहाँ डेट का क्या हो सकता है? इशू हो सकता है, लेकिन उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने ही की थी। तो कहने का मतलब उदय सिंह, यहाँ का राजा कौन था? उदय सिंह। इसके गर्भ से इसका जन्म हो जाता है। महाराणा प्रताप के कहते हैं, महाराणा प्रताप के पास 80 केजी का क्या हुआ करता था? भाला हुआ करता था, है ना? समझ में आ रही है? 52 किलो का कवच हुआ करता था। 52 किलो का कवच हुआ करता था। और 150 किलो के खुद थे। 150 किलोग्राम का स्वयं था ये। 150 किलो का ये कौन था? महाराणा प्रताप था। टोटल वजन की बात करें अपन तो 358 यानी 308 के करीब इसका वजन हुआ था। तो चेतक, ये देखिए चेतक क्या है? चेतक के ऊपर ये वजन रखा जाता है सारा का सारा। चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक ही तो था। आप देखिए, चेतक था जिसके पास दो घोड़े थे, चेतक था। इसके पास एक हाथी भी हुआ करता था जिसका नाम था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद। बार बार आप चीज़ों को दोहराएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। राम प्रसाद हुआ करता था। इसके पुत्र की बात करें तो अमर सिंह था।
इसका पुत्र कौन था? अमर सिंह, अमर सिंह था। ठीक है, ये तीन ऐसे राजा थे जिसने एक, देखो महाराणा प्रताप के आगे थोड़ी सी बात और बताना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप से पहले उदय सिंह, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अमर सिंह, क्या है यहाँ पर अमर सिंह, ये तीनों ने अकबर की अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की इन तीनों ने। लेकिन अकबर, एक व्यक्ति और था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, या आगे कह सकते हैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, राव चंद्र सेन, राव चंद्र सेन शासक था, कहाँ का? मारवाड़ का। राव चंद्र सेन शासक कहाँ का शासक था? ये मारवाड़ का। तो कह सकते हैं हम इतिहास सही पढ़ रहे हैं इसका मतलब। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, एनसीईआरटी है ये, टोटल की टोटल एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी है। और ये 18 मई, आज तारीख हो चुकी है 18 मई 2023, 18 मई 2023। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 18 मई 2023 से अपन अगले वाला पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर फिर से हम लेंगे मारवाड़ का शासक मालदेव ने शेर शाह सूरी के संग एक युद्ध लड़ा था गिरी सुमेल। कौन सा युद्ध लड़ा? गिरी सुमेल का इसने युद्ध लड़ा। कब लड़ा था? 1544 में। तब मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, शेर शाह सूरी ने कहा था कि अब ये दिल्ली का राजा था ना, इस टाइम में दिल्ली का राजा कौन है? इस टाइम दिल्ली पे सूर वंश का राजा था। किस वंश का? ये सूर वंश का। गिरी सुमेल का जब युद्ध हुआ उस टाइम दिल्ली का राजा कौन है, बताइए आप। आ गई बात समझ में? इसने 1544 से लेके 1545 तक ही दिल्ली पर राज किया था। 1545 तक ही इसने क्या किया था? दिल्ली पर राज किया था। आगे देखिए आप, इसके साथ आगे है 1531 में क्या होता है, मालदेव बहादुर जून पर अधिकार कर लेता है। 1533 में नागौर पर अधिकार कर लेता है। 1535 में अजमेर व मेड़ता पर अधिकार कर लेता है। इस समय ब्रह्मदेव से ये छीन लेता है अजमेर। और 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। जोधपुर पर पुनः अधिकार 1545 में जेता और कूपा द्वारा कर लिया जाता है। जेता और कूपा द्वारा, यानी कह सकते हैं यहाँ पर पॉइंट लेंगे अपने 1545 में जेता व कूपा। ये जेता और कूपा कौन थे? जेता और कूपा की बात करें तो ये मालदेव के सेनापति थे। मालदेव कौन था? मारवाड़ का राजा था मालदेव। ठीक है ना, सही चल रहा है अपना। आप देखिएगा, मालदेव का राजा था ये। कहाँ का राजा था? मालदेव का क्या था? ये राजा था। आगे देखिए, इसके मालदेव के पिता की बात है, राव गंगा था जिसने सहायता की थी गिगोरी के युद्ध में। यानी ये जो 1545 में जब इसने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया, वो कौन सा युद्ध हुआ? गिगोरी का युद्ध माना जाता है उस टाइम। कौन सा युद्ध माना जाता है? गिगोरी। यहाँ दो लिखेंगे अपन अलग से ताकि बच्चों को मालूम लगे, गिगोरी। और अन्य नाम भी होते हैं इतिहास में, प्रिंटेड होते हैं। देखो अन्य आप, जो अपन ने तो इतिहास किताबों से पढ़ा है ना, गिगोरी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? गिगोरी का युद्ध होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद में
मालदेव ने क्या किया, वह महत्वाकांक्षी था, इसने जेत्र सिंह के खिलाफ, ये लो भाई जेत्र सिंह के खिलाफ इसने क्या कर दी, घोषणा कर दी। कछुआ वंश का जो जेत्र सिंह था, यहाँ जेत्र सिंह के बारे में पढ़ेंगे अपन, अब यहाँ पर जेत्र सिंह, ठीक है। जेत्र सिंह के साथ इसका युद्ध होता है और मालदेव क्या करता है, मालदेव का आक्रमण हुआ महत्वाकांक्षा की नीति से, कब हुआ 1542 में, कब हुआ ये 1542 में। हाँ तो यहाँ देखिए जेत्र सिंह, जेत्र सिंह कौन था, जेत्र सिंह बीकानेर का कछुआ राजा था, बीकानेर का ये क्या था, बीकानेर, बीकानेर का राजा था, किस वंश का था ये, कछुआ वंश का, कछुआ वंश आमेर में भी चलता है, जिसमें भारमल थे, भगवान दास थे और मानसिंह थे। मानसिंह के टाइम में ही हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में 18 जून को होता है। आगे देखिए, इसके बाद में 1542 में मालदेव ने क्या किया, मार उसमें जेत्र सिंह पर आक्रमण किया और जेत्र सिंह को क्या मिल गई, वीरगति मिल गई। किसके द्वारा जेत्र सिंह को वीरगति किसके द्वारा मिली, वीरगति, वीरगति किसके द्वारा, मालदेव, मालदेव द्वारा किसको मिली, जेत्र सिंह को। क्यों, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ देखिए एक इतिहासकार है, ये इतिहासकार हैं यहाँ पर इतिहासकार, इनके द्वारा राव ज्योतिषीरो छंद के अनुसार, इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है राव सी, यहाँ देखिए पुस्तक इनकी, कौन सी पुस्तक, कौन सी है पुस्तक है जिसका नाम है राव जेत सी, जेत सी रो छंद। इसके अनुसार ये कहते हैं कि पोबावा के युद्ध में क्या किया था, 3 दिन तक ये युद्ध चला था। इस छंद, इस बुक में, इस ग्रंथ में, ग्रंथ बताएंगे इसको, इस ग्रंथ में कौन से युद्ध की जिक्र की गया है, पोबावा, पोबावा का युद्ध, कौन सा युद्ध लड़ा गया है यहाँ पे, पोबावा का युद्ध यहाँ पर लड़ा गया है, किस किस के मध्य ये युद्ध लड़ा गया है पोबावा का, आप देखिएगा बताइए यहाँ पर, ये मालदेव और जेत्र सिंह के मध्य ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। मध्य की बात करें तो ये युद्ध लड़ा गया था जेत्र सिंह, यहाँ देखिए जेत्र सिंह व मालदेव, मालदेव के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, क्योंकि मालदेव क्या है, महत्वाकांक्षी हो गया था, और महत्वाकांक्षी होने का कारण क्या था कि बीकानेर पे भी मेरा क्या अधिकार हो जाए। तो ये माल जेत्र सिंह कहाँ का राजा था, बीकानेर का, कहाँ का राजा था, ये बीकानेर का राजा था, ठीक है। आगे देखिए, आगे की बात अपन करें तो कल्याणमल का पुत्र था कौन, कौन, जेत्र सिंह, जेत्र सिंह किसके बाद हैं, कल्याणमल कल पुत्र था, सॉरी यानी जेत्र सिंह के बाद में राज कौन करता है बीकानेर पर, कल्याणमल। तो आगे देखें, कल्याणमल यह है जेत्र सिंह का पुत्र था, ये किसका पुत्र था, जेत्र सिंह का पुत्र था। शेरशाह के पास चले गए मालदेव के खिलाफ षड्यंत्र हेतु, यानी शेरशाह के पास ये चले गए षड्यंत्र हेतु, कौन, कल्याणमल, यानी जेत्र सिंह, ये कल्याणमल कहाँ चला जाता है, मालदेव के पास चला जाता है षड्यंत्र हेतु, षड्यंत्र हेतु ये कहाँ चला गया, शेरशाह के पास, शेरशाह के पास, ये शेरशाह मैंने पीछे बताया शेरशाह के बारे में, सहायता के लिए चला जाता है। दोनों गए मालदेव के पास, दोनों कौन कौन गए, कल्याणमल और जेत्र सिंह के, यहाँ देखें तो ठीक है, कल्याणमल के अलावा और शेरशाह सूरी के पास कौन जाता है, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव कौन था,
इसके अलावा 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 जाता है, कौन जाता है? तो अलावा जाएगा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव कौन था? ब्रह्मदेव ये राजा भोज का भाई था। राजा भोज कौन थे? रतन सिंह के पुत्र थे। मीराबाई के पति थे। किसके पति थे? मीराबाई के। ये दोनों की दोनों क्या करते हैं? साथ में जाते हैं, और साथ में जाने के साथ ही यहाँ पर देखिएगा किसके पास गए? मालदेव के पास, शेरशाह सूरी के पास। लेकिन शेरशाह सूरी इस समय क्या कर रहा था? युद्ध लड़ रहा था। किसके संग? संग युद्ध लड़ रहा था। कहाँ लड़ रहा था युद्ध? आप देख सकते हैं इस समय युद्ध लड़ रहा था चौसा का युद्ध वो लड़ रहा था। लेकिन ये दोनों के दोनों असफल हो गए। कौन कौन असफल हो जाता है? तो देखिएगा यहाँ पर असफल व्यक्ति थे कल्याणमल और ब्रह्मदेव। ये दोनों के दोनों व्यक्ति असफल हो गए। ये शेरशाह सूरी के पास में जाने के बाद में भी कोई निर्णय नहीं निकला। ओबावा का युद्ध कब हुआ था? 1542 में हुआ था। और 1542 में ही क्या है अकबर का जन्म हुआ है। 1542 में क्या हुआ है? अकबर का जन्म हुआ है। ठीक है, देखिएगा आगे। इस युद्ध में ये लड़े और षड्यंत्र में असफल हो गए। षड्यंत्र तो रचा इन दोनों ने मालदेव के साथ मिलकर, शेरशाह सूरी के साथ मिलकर मालदेव के खिलाफ। लेकिन मालदेव तो महान क्या था? राजा था। यहाँ पे देखिएगा, फिर जेता और कूपा की बात थोड़ी सी यहाँ कर लें। जेता कौन था? जेता व कूपा कौन था? ये सेनापति थे। किसके सेनापति थे? मालदेव के। और इसके बाद में जेता को क्या कर दिया गया? जेता को झुंझुनू का परगना दिया गया। किसका परगना दिया गया? झुंझुनू का। झुंझुनू जो कॉपर सिटी भी के नाम से भी जी ये जाना जाते हैं। ताम्र नगरी किसे कहते हैं? ताम्र नगरी, जैसे पाड़ो नगरी बीकानेर है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है ना, फूलों की नगरी अजमेर है। इसी प्रकार ताम्र नगरी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, अगले वाला पेज हम पलट लेते हैं। तो अगले वाला पेज पलटे तो देख लीजिएगा, ये पेज पलट लिया है हमने। और टाइमिंग की बात करें तो आज 18 मई 2023 हो चुकी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मालदेव का स्टोरी पढ़ रहे हैं अपन। किसकी? मालदेव की। इसके पिता कौन थे? राव गंगा। माता कौन थी यहाँ पे अपन पीछे? माता कौन थी? देवड़ा रानी। इनके गर्भ से मालदेव का जन्म कब माना गया है? 5 दिसंबर 1511 AD में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद में अपन कह सकते हैं कि मालदेव के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी पोबाहवा के युद्ध के बाद, कौन से थे? पोबाहवा का युद्ध बाद सबसे बड़ी जो चुनौती इसके सामने आई, वो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? गिरी सुमेल का युद्ध। यानी गिरी सुमेल का जो युद्ध था ना, वो 1544 में हुआ था। तो आगे हम देखें, पोबा के युद्ध के बाद में गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 में। किसके संग होगा ये युद्ध? राव मालदेव के संग होगा
और शेरशाह, शेरशाह मध्य होगा, ये दोनों के, इन दोनों के बीच में यह युद्ध होता है। ठीक है, आगे देखिए, यह युद्ध होता है उस समय। इस युद्ध से पूर्व की हम घटना देखें तो हम कह सकते हैं, ये तो बहुत समय पहले की बात है, लेकिन हम समय की इस युद्ध की बाद में पहले की घटना देखें तो समय देखेंगे अपन 1536 1536 में क्या होता है, एक मारवाड़ के निकट एक जागीरी होती है, जो वहाँ का राजा कौन होता है, लूणकर्ण सर। जैसलमेर की एक जागीरी होती है, वहाँ पर हम कह सकते हैं जैसलमेर के जो राजकुमारी थी, जहाँ के राजा कौन थे, लूणकर्ण सर थे। यहाँ पर अपन कह सकते हैं जैसलमेर, जैसलमेर की राजकुमारी कौन थी, उमा दे। कौन थी, उमा दे। उमा दे के संग इसका क्या हो जाता है, विवाह। इसके संग इसका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और विवाह होने के साथ मारवाड़ के साथ इसके क्या हो जाते हैं, अच्छे संबंध हो जाते हैं। किसके किसके संबंध हो जाते हैं, और यहाँ की उमा दे किसकी पुत्री थी, लूणकर्ण। लूणकर्ण यहाँ पर सिंह, लूणकर्ण सिंह की ये पुत्री थी। इसकी शादी मालदेव के साथ हो जाती है। यह घटना घटी थी, दुल्हन को पहचानना जाना था, यानी कहने का मतलब है इस घटना में ये बताया गया है, दुल्हन को क्या किया जाता, पहचाना जाना था, परंतु सफल नहीं हुए। इसके बाद उमादे के स्थान पर भारमली को पहचान गए, उमादे के स्थान पर क्या हो गए, भारमली को पहचान गए, जो दिल्ली की राज सूजी। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक घटना घटी थी, कब ये घटना घटी और घटना कौन सी घटी, कि भारमली को एक घटना ये थी कि शादी के लिए दुल्हन को पहचाना जाना था, लेकिन दुल्हन को मालदेव पहचान नहीं पाए, और उमादे के स्थान पर किसको, भारमली को पहचान गए। किसके स्थान पर, उमादे के स्थान पर इसको, भारमली को पहचान गए। इस घटना यानी इस घटना के दौरान दोनों के संबंधों में क्या आ गया, तनाव आ गया, दोनों के किस में, मालदेव वर्सेज लूणकर्ण सर के, लूणकर्ण सर, लूणकर्ण सिंह भाटी के क्या है, बीच में क्या हो गया, तनाव हो गए, तनाव आ गया, और दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। कि फिर उसने क्या कर दिया, नाराज हो गए। नाराजगी का कारण भी आगे मैं बताता हूँ आप। इस घटना के बाद में अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि उमादे ने क्या सोचा कि अब दोनों के तनाव बिगड़ गए, तो लूणकर्ण सर सिंह जी भाटी हैं इसके पिता, वो इसको मारने के लिए इसको योजना बना रहे हैं। तो इसने, उमादे ने मालदेव के पास अपने प्रिय राजपुरोहित को क्या किया, भेजा। उस राजपुरोहित का नाम बताइए, राघव। क्या नाम है, राघव देव, राघव देव था। इसको भेजा कि आप अकेले मत आइएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, तुम्हारे को मारने के लिए मेरे पिता क्या हैं, तैयार बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के दोनों, कौन कौन, लूणकर्ण और उमादे, मालदेव के डर से क्या है, दोनों के दंडे तारागढ़ चले गए। कहाँ चले गए ये दोनों, तारागढ़ चले गए। कौन, उमादे और लूणकर्ण सिंह भाटी, उमादे व लूणकर्ण, लूणकर्ण सिंह भाटी, ये दोनों के दोनों कहाँ चले गए थे, तारागढ़। कहाँ चले गए, तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला कहाँ पर बना हुआ है, अजमेर में।
अजमेर को ही राजस्थान का हृदय कहा जाता है, फूलों की नगरी है, एकमात्र मंदिर है, पुष्कर झील भी यहीं पे है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, एक देखो एंशिएंट मेडिवल इंडिया की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय था, यानी मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसमें से चिश्ती संप्रदाय है ये। इसमें से इनकी एक सूफी संत थे ये। कौन थे ये? सूफी संत थे। इनकी दरगाह यहाँ पर बनी हुई है अजमेर में, जिसने अकबर ने यहाँ पर तीन बार, अकबर ने क्या है, तीन बार, कितनी बार, तीन बार यहाँ पर सिजदा किया है। सिजदा जानते हैं, सिजदा यानी घुटनों के बल टिकना, यानी घुटनों के बल झुकना और अल्लाह का नाम लेना सिजदा कहलाता है। यानी कहने का मतलब, अकबर गया था, कौन गया था, अकबर गया था क्यों, अपने प्रिय पुत्र जहांगीर हेतु। जहांगीर, जहांगीर का नाम ही सलीम है, सलीम है, और अनारकली का नाम भी यही होता है, अनारकली, जो वहाँ में दरबार में नृत्यांगना या डांसर हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद में अपन देखते हैं उमादेव और लोण कर्णसेन दोनों के दोनों, यानी मालदेव के डर से कहाँ चले जाते हैं ये दोनों के दोनों, तारागढ़ चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? तारागढ़ चले जाते हैं। किसके डर से? यहाँ लिखेंगे डर से। किसके? मालदेव के डर से ये क्या है, दोनों के दोनों कहाँ चले जाते हैं? तारागढ़ चले जाते हैं। और यहीं पे से फिर मालदेव ने संदेश भिजवाया था कि मुगलों के आक्रमण मेरी पत्नी को ना मार दें, तो उमादेव को यहाँ बुला लीजिए तारागढ़ से। तो यहाँ से तारागढ़ से बुलाने के बाद में रूठी रानी थी, इन दोनों ने क्या किया, मालदेव तो वहाँ से चला गया और अन्य रानियों द्वारा विरोध किया गया। तो विरोध में क्या है, तो कह सकते हैं यहाँ पर उमादेव का कि इसी को क्यों बुला रहे हैं, हमको क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो यहाँ पर यहीं रुक गई है, तारागढ़ में रुक गई थी। मान सम्मान बहुत बड़ा होता है औरत का। तो देखो यहाँ पर उमादेव द्वारा वहाँ पर आशा, ये कह सकते हैं आशा बारेट है, आशा बारेट नाम का एक दरबारी था, उसके द्वारा एक सोराठा लिखा गया है। सोराठा का मतलब देखो यहाँ बताएंगे, सोराठा, सोराठा का मतलब ये कविता मान सकते हैं अपन इसको, या कुछ बोल मान सकते हैं। उमादे का कवि था ये सोराठा, ये उमादे का क्या था, उमादे का कवि था ये, क्या था ये, उमादे का कवि था। इसके द्वारा कौन सा सोराठा लिखा गया है, सोराठे की बात करें तो सोराठा अपन यहाँ देखें कि मान रखे पीव तजे, पीव रखे तजमान, यानी इसने क्या लिखा, मान रखे पीव तजे, मान रखने वाली हमेशा औरत पीहर को त्याग देगी, क्योंकि वो पति पत्नी के पति के साथ है। पीव तज, ठीक है, मान रखे पीव तज, पीव रख अगर पीहर रखना चाहते हो तो अपन को ससुराल छोड़ना पड़ेगा। तज मान या मान सम्मान खोना पड़ेगा, इसका मतलब ये है, समझ में आ रही है। यानी मान रखे पीव तज, पीव रखे तज मान, दो गेंदवन दी ही, इसने कहा है कि दो गेंद वन ही एकण खंबे दान ऐसा कुछ, ऐसा सोराठा किसने लिखा है, आशा बारेठ है नाम का एक सोराठा इसने लिखा है, उमादे का ये कवि था, इसने कुछ ऐसा सोराठा लिखा है, जहाँ मान सम्मान नहीं है वहाँ जाना उचित नहीं है। आत्मसम्मान हेतु उमादे रूठी रानी तारागढ़ में ही
रह गई। कहने का मतलब ये यहीं रह गई, मालदेव की बातें नहीं मानी। मालदेव ने इसको बुलाना चाहा लेकिन मालदेव की ये बातें इसने नहीं मानी। और अपने अगले वाले वीडियो में अपन देखेंगे कि सारे के सारे जो मालदेव के जो संघर्ष थे वो अपने यहाँ पॉइंट डाल देते हैं अपन यहाँ पे। मालदेव के संघर्ष शॉर्ट में देखेंगे अपन, मालदेव के संघर्ष, मालदेव के संघर्ष अपन यहाँ पर देखेंगे। तो मालदेव के संघर्षों में देखते हैं अपन यहाँ पर, पहला संघर्ष है 1531 में भादुरजून पर, 1533 में नागौर पर, 1535 में अजमेर व मेड़ता पर, 1542 में पोवावा के युद्ध के बाद में जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में मालदेव शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध होता है। इसी के साथ हम संघर्ष की बात करें तो यहाँ देखें